इन्फॉर्मेशन कैसे हो आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो आज मैंने ये दशमी स्पेशल मेकअप लुक क्रिएट किया है। दशमी में सब लोग ही चाहते हैं थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करने के लिए, तो इसलिए मैंने ट्रेडिशनल न्यूज साड़ी के साथ जो पूजा में मैंने बाई की है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे पूजा वाला हॉल नहीं देखा ना, दुर्गा पूजा हॉल पार्ट वन वाला हॉल, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा जल्दी जाओ जाके देख लो यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, जल्दी जाके देख लेना गाइस आप लोग। और थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करने के लिए मैंने आज कोशिश किया है इस न्यू ट्रेडिशनल साड़ी के साथ। तो बिना लेट किए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वेट टिश्यू, जिससे अपने पूरे फेस को मैं क्लीन करूँगी अच्छे से। पहले मैंने फेस वॉश करके रखा है अपने फेस के ऊपर, उसके बाद मैंने ये वाला स्टेप कर रही हूँ ताकि जो भी डस्ट हो ना वो निकल जाए। इसके बाद मैं जो भी इसका टोनर यूज़ कर रही हूँ, इसका फ्लेवर है क्यूकम्बर, बहुत ही अच्छा वाला टोनर है। इसके बाद मैं रोजी सीरम जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ आज, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला सीरम है ये बहुत, बता आप लोग अगर कोई भी फेस सीरम अगर मुझसे पूछे कौन सा वाला रिकमेंड करती हूँ, मैं बोलूँगी रोजी फेस सीरम आप लोग ज़रूर यूज़ करो, ठीक है। तो इसके बाद मैं यूज़ कर लॉरियल का मॉइस्चराइज़र अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी। मॉइस्चराइज़र ये वाला स्टेप मेकअप से पहले ज़रूर कीजिएगा वैसे, क्योंकि ये वाला स्टेप जो होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्किन के लिए, ठीक है। तो अच्छे से मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया यहाँ पर। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर बेबी लिप्स, तो ये बहुत अच्छा वाला बेबी लिप्स है, इसका फ्लेवर ना स्ट्रॉबेरी था, ठीक है। और ये ब्लू हेवन का है, ठीक है। प्रोडक्ट का जो डिटेल्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँ। यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं मेबलिन का प्राइमर। प्राइमर का काम क्या करता है गाइस, आपके मेकअप को ना लॉन्ग लास्टिंग करता है, ठीक है। तो प्राइमर ज़रूर अप्लाई किया कीजिए। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन का कंसीलर, आईज़ के ऊपर आईज़ के नीचे अप्लाई करूँगी। कंसीलर का काम क्या होता है, अगर आपके डार्क सर्कल्स हो या फिर कोई दाग धब्बे हो ना, उसको छुपा दे रहा है कंसीलर, ठीक है। तो कंसीलर मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया, एक छोटू मोटू से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको मैं ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडर को गाइस हमेशा पानी में डुबो के रखना है, उसके बाद पानी स्क्वीज आउट करके आप लोगों को यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमिंग का कॉम्पैक्ट पाउडर, ताकि मेरे कंसीलर जो है वो सेट हो जाए अच्छे से। इसके बाद मैं हिलाड़ी डोडा का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसके सामने लाइक आईब्रो करने का जो पेंसिल है वो है, और पीछे ना फूली है, ठीक है। ऐसे टाइप का अगर आप लोग पेंसिल वगैरह यूज़ करोगे ना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए आईब्रोज करना, ठीक है। दो अलग प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ता, ठीक है। और इसका शेड है ब्राउन कलर का, आप लोग ना जब भी आईब्रो करो हमेशा ब्राउन कलर यूज़ करो, ठीक है। और स्पेशली फॉर बिगिनर्स, क्योंकि अगर ब्लैक से काम करोगे ना ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, गंदा लगेगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ब्राउन कलर ही यूज़ करो, ठीक है। और इसके बाद मैं फूली की मदद से अच्छे से कोम कर लूँगी अपने दोनों तरफ के आईब्रोज को ही, और आईब्रोज़ को अच्छा शेप दे दूँगी। और गाइस और एक चीज़, आईब्रोज़ को शार्प करने के लिए आपको क्या करना है, कंसीलर को अप्लाई करना है आईब्रोज़ के नीचे, आईब्रोज़ के ऊपर, जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो अगर आप लोग ये वाला स्टेप फॉलो करते हो ना, बहुत ही शार्प वाला आईब्रो लगता है गाइस, सीरियसली आप लोग देखोगे मेरे वीडियो में। गाइस अगर आप लोग ये वाला स्टेप करते हो ना, बहुत ही सुंदर वाला आईब्रो का लुक आता है, और आईब्रोज अगर सुंदर दिखे ना तो फेस का जो लुक आता है ना वो टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। आईब्रोज के ऊपर आपके फेस का जो सुंदरता है ना वो डिपेंड करता है। तो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया था इसको छोटू मोटू से एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। फिर से मैं बोल रही हूँ आप लोग को, अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आपको ब्लेंड करना है, ठीक है। मैं अपने हर एक वीडियो में सेम ही बात बोलती हूँ, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं होगा ना गाइस तो बहुत ही गंदा वाला दिखता है, ठीक है। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मैं फिर से फिटमी का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो यूज़ करूँगी, जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया ना वहाँ पर, ताकि मेरे आईब्रो सेट हो जाए। इसके बाद मैं जैकलिन हिल का जो पैलेट है उसमें से एक येलो कलर का शेड पिकअप करूँगी एक ब्रश की मदद से, और आप क्रीज लाइन से स्टार्ट करना है ब्लेंडिंग, ठीक है। दोनों आईज में मैंने कर लिया है ब्लेंडिंग, और आप लोग ना कोई भी लाइट कलर का शेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे कलर का पैलेट यूज़ करना जहाँ पर बहुत सारे कलर्स है, ताकि आप लोग कलर से ना खेल सकते हो। हाँ यार, खेल ही सकते हो। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी एक डार्क ब्राउन कलर, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर है। आप लोग ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ना लगा कि डार्क ब्राउन ही यूज़ करती है यार, ब्लैक मुझे इतना अच्छा नहीं लगता यार, इसलिए। तो मैंने दोनों तरफ के आईज में ही मैंने ये वाला शेड अप्लाई कर लिया है डार्क ब्राउन वाला, और ये मैंने अप्लाई किया अपने क्रीज लाइन में, ठीक है। हाफ तक मैंने अप्लाई किया, आप लोग देख ही सकते हो। इसके बाद मैं कर रही हूँ एक ग्लिटर अप्लाई। ग्लिटर में मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरी साड़ी के साथ मैचिंग जो ग्रीन कलर है ना, वो ग्रीन कलर का ग्लिटर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ आई लीड में, स्पेशली मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और कॉर्नर को मैं थोड़ा सा गैपिंग ही रखूँ, क्योंकि उसके बाद इसको हाईलाइट करना है, तो आईज ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है,
तो इसलिए। और मैं अपने दोनों तरफ के आईज में कर लूँगी ग्लिटर अप्लाई। आप लोग कोई भी अच्छा वाला ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो, और अगर ग्लिटर ठीक से स्टिक ना हो ना, आप लोग कोई भी क्या कर सकते हो, ग्लू लगा सकते हो, उसके बाद आप लोग ये ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो। देखो आई मेकअप कितना सुंदर लग रहा है ना। इसके बाद मैं नेकेड का जो आई शेडो पैलेट है उसमें से व्हाइट कलर का शेड पिकअप करूँगी, और एक जो थिन टाइप का ब्रश है ना उसके मदद से आईज के कॉर्नर को मैं हाईलाइट करूँगी। यूज़ कर रही हूँ एवॉन का आईलाइनर। आप लोग कोई भी आईलाइनर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा विंग बनाऊंगी, उतना भी विंग नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा लाइक विंग बनाऊंगी, एकदम थोड़ा सा, ठीक है, उतना भी बड़ा वाला विंग नहीं बनाऊंगी। और दोनों तरफ के आईज़ में मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। और आप लोग ना जब भी फॉल्सेस अप्लाई करो उसके पहले आईलाइनर अप्लाई कर लो, उसके बाद करो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा दिखता है। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ना जो ये वाला शेड देख रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा लाइक डार्क ग्रीन कलर का, और ये शेड ना शिमर है गाइस, ठीक है, ये शेड जो है शिमर कलर है, ये डार्क ग्रीन शिमर है, इसमें थोड़ा लाइक ब्लू भी मिक्स है आप बोल सकते हो, बहुत सुंदर वाला कलर है। आइज़ के नीचे मैं अप्लाई करूँगी एक छोटू मोटू सा थिन टाइप के ब्रश के मदद से, ताकि ना इजीली अप्लाई हो जाए। आप लोग भी ऐसे ही छोटू मोटू सा थिन टाइप का ब्रश यूज़ करना, अब बहुत ही ना ईजी हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, फिर से ब्लू कलर का शिमर कलर पिकअप किया, और एकदम आइज़ के नीचे ही, ठीक है, एकदम कॉर्नर में वही वाला जो शेड मैंने अप्लाई किया है, आप लोगों को बोला ना वो लाइक ब्लू वाला शेड, ब्लू शिमर वाला, वो ना आईज़ के एकदम कॉर्नर में मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, ताकि ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे मेरे आईज़, ठीक है। आप लोग ये वाला करना, बहुत ही सुंदर वाला लुक आता है गाइस, बहुत प्यारा वाला लुक आता है, ठीक है, तो आप लोग देख ही सकते हो, मैं थोड़ा बहुत दिखा भी रही हूँ। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ये है ग्लैम 21 का मस्कारा, ठीक है, आईज़ के ऊपर और आईज़ के नीचे मैं अपने लैशेस में मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। एक ही कोट करना है क्योंकि मैं फॉल्सेस अप्लाई कर रही हूँ ना, तो इसलिए, और कैमरा ऑफ करके मैं फॉल्सेस अप्लाई कर लिया है, ठीक है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो फॉल आउट हुआ था ना उसको मैं झाड़ के फेंक रही हूँ, और फिर से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ आईज़ के नीचे, और मैं कंसीलर को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने आईज़ के नीचे, और जहाँ जहाँ मेरे स्पॉट वगैरह है तो वो सब आजकल ना बहुत सो रही हूँ मैं, इसलिए ना लाइक उतना डार्क सर्कल वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है गाइस, तो इसलिए। और अपने नोज़ के बीचों बीच अप्लाई करूँगी कंसीलर, ताकि ना मेरे नोज़ शार्प दिखे, तो इसलिए। तो और इसको भी ना छोटे मोटे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अप्लाई कर रही हूँ, मतलब ब्लेंड कर रही हूँ, अप्लाई क्या कर रही हूँ यार, तो हाँ, छोटे मोटे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं ब्लेंड करूँगी इसको अच्छे से। और इसके बाद फिर से मैं वो वाला वाइट वाला शेड पिकअप किया नेकेड के पैलेट में से, और अपने आईब्रोज के नीचे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरे आईब्रोज ना हाईलाइट हो, ठीक है। अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया गाइस। इसके बाद मैं फिटपिंग का जो कम्पैक्ट पाउडर है उसको मैं कंसीलर को सेट करूँगी उसके मदद से, जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ। इसके बाद मैं फिर से अप्लाई कर रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन, ठीक है, और अपने मतलब जो नेक पोर्शन है ना उसको उस वहाँ पर भी अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और इस ब्यूटी ब्लेंडर को ना मैंने पोंछ लिया था अपने ड्रेस में ही, सीरियसली यार, तो मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया अपना नेक में भी और पूरे फेस में भी, क्योंकि लाइक ऐसा होता है ना, फेस एकदम वाइट वाला दिखता है और नेक एकदम काला काला सा, इसलिए जब भी आप लोग मेकअप वेकअप अप्लाई करोगे ना, तो हमेशा ना एक नेक पर भी अप्लाई करना, ठीक है। और ब्यूटी ब्लेंडर को आपको पता है पानी स्क्वीज आउट करके अप्लाई करना, और पानी से लाइक यार ये वाला सिर्फ करने का ब्यूटी ब्लेंडर में ना जो फाउंडेशन आप ब्लेंड करो ना, फाउंडेशन पूरा लग जाएगा, ठीक है। और आप लोग ना कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो अपने स्किन टोन के हिसाब से। इसके बाद मैं फाउंडेशन को सेट कर रही हूँ फिटमी के कम्पैक्ट पाउडर के मदद से। फिटमी का फाउंडेशन यार बहुत ही अच्छा वाला है, रिजनेबल प्राइस में है, ठीक है। इसके बाद मैं क्रीम कंटूर यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। इसका शेड है बहुत ही डार्क ब्राउन कलर का, ठीक है, और मेरा फेस थोड़ा लाइक वाइटिश सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार डार्क ब्राउन कलर का अप्लाई करते हैं। और कंटूर का काम क्या होता है गाइस, आपके फेस को थिन दिखाने में हेल्प करता है कंटूर, और मैं नोज़ के यहाँ पर करूँ ताकि मेरे नोज़ ना बहुत ज़्यादा शार्प दिखे, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, जहाँ जहाँ कंटूर में कर रही हूँ ना वहाँ ही आप लोग कंटूर करना यार गाइस, बहुत ही सुंदर लगता है, ठीक है। और जब आप लोग कंटूर करोगे ना अच्छे से ना कंटूर को ब्लेंड करना, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पर क्रीम कंटूर यूज़ करूँगी। कभी कभी ना आप लोग अगर मेरे वीडियोज़ वगैरह देखते हो ना, तो आप लोग देखोगे मैं लिक्विड कंटूर भी कभी कभी यूज़ करती हूँ, ठीक है, हुडा ब्यूटी का बहुत ही अच्छा वाला वो भी है, ठीक है। और ये था ना मार्स का कंटूर, क्रीम कंटूर था मार्स का, बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है इस बारे कंटूर पैलेट में, ठीक है। तो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इसको। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ब्लशर। तो ब्लशर के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ब्लशर, और यहाँ पर मैंने एकदम लाइक पिंकिश जो कलर है ना, वो पिंकिश कलर और यहाँ पर गोल्डन कलर दोनों को मिक्स करके ना हंसते हंसते ब्लश अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस में। और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ स्वीस ब्यूटी का हाइलाइटर।
अगर आप लोग मेरे पुराने वाले वीडियोस वगैरह फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता है मुझे हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बट मैं हाइलाइट करती हूँ लाइक अपने चीक बोन्स में और नोज़ के बीचों बीच, ठीक है, और कहीं हाइलाइट नहीं करती, ठीक है। मैं तो यार ऐसे ही करती हूँ। और इसके बाद में जो बेबी लिप्स लगा था ना, उसको मैंने पोंछ दिया एक वेट टिश्यू से। मुझे अच्छा नहीं लगता यार बेबी लिप्स के ऊपर लिपस्टिक वगैरह लगाना। और ये है हुडा ब्यूटी का न्यूट कलर, और मेरी मम्मी खाना बना रही है तो इसलिए थोड़ा बहुत आवाज़ आ भी रहा है आप लोगों को। इसके बाद मैं मार्स का जो फिक्सर है, मेकअप फिक्सर, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस में। सो गाइस, आप लोग को ये वाला वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मैं इस लुक के साथ कैसे लग रहा हूँ ये भी मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। अगर ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया, जाओ जाके सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, आप लोग के साथ में मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।